वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। मेरे दिल से ही दुआ है आप जहाँ रहें खुश रहें सलामत रहें। वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। आज मैं वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ शाम से, ये देखिए इसको मैं खाना देने आई हूँ। एक्चुअली लाइट थोड़ी देर के लिए मैं बंद कर देती हूँ बीच बीच में, लेकिन ठंडा का मौसम में नहीं बंद करना चाहिए आज, पता नहीं बस मैंने बंद कर दिया कि शायद ज़्यादा हीट ना हो जाए। लाइट पानी तो हीट ज़रूरी है क्योंकि ठंड का मौसम है। अब इसको मैं खाना देती हूँ, खाने में मैं इसको ये देती हूँ, इस टाइप का दाना है छोटा छोटा सरसों के टाइप, जैसे पीला सरसों होती है उसी टाइप का है। देखिएगा फ्रेंड, मैं लाइट जलाऊंगी सब ऊपर आ जाएगा, सबको आइडिया है कि लाइट जली है मतलब खाना मिलेगा। देखिएगा ये देखिए फ्रेंड सब ऊपर आ गए, ये देखिए सब ऊपर आ गए। लाइट जलते ही लोगों को समझ में आ जाता है कि खाना मिलेगा। बस थोड़ा समय दूंगी, पानी थोड़ा गंदा हो गया है फिश टैंक का। हस्बैंड का छुट्टी रहेगा संडे को तो साफ करेंगे, मैं नहीं साफ करती हूँ, मुझसे होगा भी नहीं है, मुझे घिन भी आती है, हस्बैंड ही साफ करेंगे। ये देखना मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। मैं कभी कभी यहाँ खड़े होकर घंटों को, तो घंटों नहीं 10 मिनट 15 मिनट खड़ी होकर मैं इन दोनों को मतलब इन सबको देखती रहती हूँ, दोनों को नहीं इन सबको देखती रहती हूँ। पता नहीं क्यों एक सुकून सा मिलता है इसको देखते हुए। बगल में ओरिजिनल प्लांट लगा कर रखी हूँ, ये देखिए ये मेरा फेवरेट प्लांट है, इसको मैं लगा कर रखी हूँ। और साइड में यहीं पर साइड में आप देख सकते हैं ये मनी प्लांट है, ये मनी प्लांट है। छोटा सा पॉट में मैं इस पॉट में मनी प्लांट रखी हूँ, ये वाला प्लांट का ये वाला पॉट है। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ खड़ा होकर देखना। मैं अपना फ़ोन भी यहीं चार्ज करती हूँ, इसलिए ये मेरे मोबाइल का चार्जर रखा हुआ है। काफ़ी अच्छा लगता है मुझे यहाँ खड़ा होकर देखना इन दोनों इन सबको। बार बार मेरे दो बच्चे हैं ना, तो इन दोनों को बोलते बोलते मुँह से इन दोनों ही निकल रहा है। इन सबको देखना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। अभी जा रही हूँ मैं किचन में, किचन में क्या करने जा रही हूँ, जा रही हूँ मसाला बनाने। एक्चुअली सारा मसाला ख़त्म हो गया है तो उसी को बनाने जा रही हूँ मैं। मतलब बाहर से नहीं लेती हूँ मसाला, मैं घर का ही मसाला बनाया हुआ यूज करती हूँ। वो सारा मसाला ख़त्म हो गया है तो मैंने सोचा चलो आज बना लेती हूँ टाइम निकाल कर। मतलब बहुत प्रॉब्लम होती है यार मसाला बनाने में, एक बार बना दो तो 1 मंथ आराम से चल जाता है। ये देखिए चलिए किचन में चलती हूँ, ये देखिए किचन में मैं आ गई हूँ, किचन में आ गई हूँ फ्रेंड। लाइट जलाती हूँ, अंधेरा अंधेरा लग रहा है। मैं मसाले में क्या बनाऊंगी, मिर्च पाउडर बनाऊंगी और जीरा मरीच का पाउडर साथ में बनाती हूँ, जीरा और मरीच और धनिया पाउडर बनाऊंगी। गरम मसाला भी मैं घर पर कभी कभी बना लेती हूँ, ओरिजिनल होता है खड़ा गरम मसाला। सब कुछ लाऊंगी, लौंग इलायची हर चीज़, उसको हल्का सा गरम करके कढ़ाई में और उसको मिक्सी में पीस लेती हूँ। चलिए मैं मसाला कैसे बनाती हूँ मैं पिछले वीडियो में शेयर की हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। मैं इस वीडियो में भी थोड़ा बहुत शेयर करती हूँ आपके साथ फ्रेंड। पहले कढ़ाई में पहले थोड़ा सा मरीच को गर्म करूँगी, उसके बाद इसमें जीरा डाल दूँगी। इसमें हल्का सा मरीच गर्म हो जाए उसका जीरा डालूँगी। आप चाहें तो मसाला को धूप में भी सुखा कर पीस सकते हैं। मैं क्या करती हूँ हल्का सा गरम कर लेती हूँ, उसके बाद मैं इसको मिक्सी में डालकर पीस लेती हूँ, बारीकी पीस जाता है ये। इसमें देखिए यार लौंग भी है एक दो ठो, मैं डाल दी इसी में। ये देखिए ये हल्का गरम हो गया, अब इसमें मैं जीरा डालूँगी फ्रेंड, मैं जीरा भी डाल दी साथ में। दोनों को मैं अच्छे से गर्म कर लूँगी, ये देखिए हल्का सा सिर्फ गर्म करना है, इसको फ्राई नहीं करना है, इसको फ्राई नहीं करना है, इसको बस गरम करना है। गरम हो जाएगा मिक्सी में आराम से पिस जाएगा। और ये जो साउंड आ रही है ये चिमनी का साउंड आ रही है, ये देखिए मैं छू कर देख लेती हूँ कि गरम हुआ कि नहीं। अभी थोड़ा सा और गरम होगा। देखिए मेरा पूरा मसाला ख़त्म हो गया है, डब्बा धोकर रखी हूँ मैं, पूरा मसाला वसाला सब ख़त्म हो गया, सबको साफ करके रखी हूँ। एक बार बना लेती हूँ तो कम से कम 1 मंथ के करीब, अगर मैं खाना बनाती हूँ तो 1 मंथ चल जाएगा, अगर मेरे हस्बैंड बनाएंगे तो 1 मंथ से कम चलता है मसाला, क्योंकि वो मसाला और ऑयल बहुत यूज़ करते हैं, ये खाना टेस्टी भी बनाते हैं। ये देखिए गरम हो गया, बस इसको मैं निकाल लूँगी। हाँ गरम हो गया फ्रेंड, ये गरम हो गया है, इसको जार में डाल ली हूँ, अब इसको पीस लूँगी मैं।
कैप लगाकर। एक्चुअली यहाँ का प्लग खराब हो गया है, इसलिए मैं इसको लेकर जा रही हूँ रूम में। रूम में पीसती हूँ, दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए फ्रेंड, पीस ली हूँ मैं इसको। देखिए देखिए कितना बारीकी पिसाया है। इसको तुरंत डब्बे में पैक ना करें, से एक प्लेट में मैं रख दूँगी, ठंडा हो जाएगा, उसके बाद इन डब्बों में मैं पैक करके रखूँगी। इसको प्लेट में डाल लेती हूँ। और सेम कढ़ाई में मैं धनिया डालूँगी हल्का सा गर्म करने के लिए, खड़ा धनिया, ये देखिए। इसको भी गर्म करके मैं पीस लूँगी सेम प्रोसेस से। ये देखिए, इसको भी मैं धनिया को गर्म कर ली हूँ, इसको भी पीस लूँगी मैं। बन गया है फ्रेंड, लेकिन एक पचका हो गया। मैं कोई काम करूँगा गड़बड़ ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। पचका क्या हुआ है, चलिए मैं दिखाती हूँ। एक्चुअली जो मिक्सी का जार होता है वो टूट गई, पता नहीं कैसे टूट गई। जार भी बहुत पुराना हो गया था, शायद इसलिए टूट गया होगा। चलिए दिखाती हूँ कैसे टूटा। फ्रेंड, ये धनिया का पाउडर है, ये जीरा मिर्च का, और ये मिर्च का पाउडर बना रही थी मैं। ये देखिए, मिर्च का पाउडर बना रही थी, सही से बना नहीं, थोड़ा मोटा ही है, मोटा ही रह गया। अब बना भी नहीं पाऊंगी क्योंकि ये पीछे का जो पार्ट होता है ये टूट के निकल गया। पता नहीं कैसे गर्म होकर, हीट होकर, क्या होकर ये टूट गया। इसको बनवाना पड़ेगा, इसको ठीक करवाना पड़ेगा। ये देखिए नीचे का निकल गया है। चलिए ऑलमोस्ट हो ही गया है, काम चल जाएगा। थोड़ा सा मोटा है, हल्का हल्का मोटा है, ज़्यादा मोटा नहीं है, हल्का सा मोटा है। अब इसी से काम चला लूँगी तब तक। ये जीरा मिर्च का पाउडर, अब चाहे तो इसको चाल भी सकते हैं, अगर इससे भी पतला चाहिए तो आप चाल सकते हैं। ये धनिया पाउडर मैं इसमें ठंडा होने के लिए रख देती हूँ तीनों को, तब तक ये ठंडा हो जाए, उसको मैं ये डब्बे में भर दूँगी। जो बचेगा एक्स्ट्रा वो छोटे छोटे कंटेनर में भर कर रख दूँगी। जब वो ख़त्म हो जाएगा वहाँ का तो मैं फिर फिल कर दूँगी। आज मैं जा रही हूँ गाजर छीलने, क्योंकि मैं गाजर का हलवा बनाने वाली हूँ। और डिनर में मैं, डिनर का टाइम हो गया, जा रही हूँ डिनर की तैयारी करने। का भी टाइम हो गया है फ्रेंड, इसलिए जा रही हूँ डिनर का तैयारी करने। दाल चावल सिंपल सा बनाऊंगी मैं डिनर में। मिक्सर टूट गया यार, मतलब जार टूट गया, मिक्सर सॉरी नहीं, जार टूट गया। मैं हर सप्ताह कुछ ना कुछ गड़बड़ करती हूँ यार, तो मुझसे सामान टूटे, बर्तन टूटे, कप टूटे, लेकिन कुछ ना कुछ तो मैं तोड़ती ही हूँ। इस सप्ताह कुछ टूटा नहीं था क्योंकि, तो ये टूटा आज। चलिए कोई बात नहीं, बन जाएगी ये, नहीं भी बनेगी तो नया ले लूँगी, कोई बात नहीं, क्योंकि अफसोस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अभी गाजर छीलूँगी और दाल चढ़ाऊँगी, क्योंकि आज दाल चावल बनाऊँगी, सिंपल सा डिनर। फ्रेंड, मसाला ठंडा हो गया है, मैंने डब्बा में भर लिया है। ये चम्मच डाल दूँगी साइड में, इसको रख दूँगी। देखिए मसाला कितना खूबसूरत लग रहा है ना, भरा भरा देखने में। इसको पैक करके रख देती हूँ। मैंने गाजर छील लिया है, अब जा रही हूँ चाय पीने। चाय पीने के बाद मैं गाजर का हलवा बनाऊंगी। जब से मैं सोफ़ा ली हूँ, फर्स्ट टाइम आज बैठी हूँ सोफे पर, मतलब बैठती हूँ, चाय लेकर फर्स्ट टाइम बैठी हूँ, आराम से चाय पी रही हूँ। जब से सोफ़ा आया है 1 वीक से ऊपर हो गया, 31 दिसंबर को आया था, 1 वीक से ऊपर हो गया। मैं फर्स्ट टाइम चाय लेकर बैठी हूँ और साथ में टीवी देख रही हूँ बच्चों के साथ। देखिए टीवी देख रही हूँ, सीन चैन, बच्चों को भी पसंद है और मुझे भी बहुत पसंद है। गाजर छील कर आई हूँ, खाना बनाने के बाद ही गाजर का हलवा बनाऊँगी। कुछ मीठा डिनर हो जाए उसका, कुछ मीठा बनाऊँगी, सबको भी मिलकर खाएंगे। चलिए अब मिलती हूँ मैं आपसे बाद में, चाय पीने के बाद। मैं चाय का मज़ा लेती हूँ, लगता है कोई आया है, बेल बज रहा है। ये देखिए फ्रेंड, मैं गाजर का हलवा बना रही हूँ, दूध बॉयल कर रही हूँ। ये गाजर मैंने काट कर रखा है, छोटा छोटा पीस, 1 kg गाजर है। ये दूध है, दूध में बॉयल करूँगी अभी, साथ में मैं खाना भी बना रही हूँ। ये साग फ्राई की हूँ मैं, साग है। थोड़ा थोड़ा करके गाजर डाल दूँगी। फ्रेंड, 1 किलो गाजर में 1/2 kg से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने दूध दिया है, ये देखिए। इसको अच्छे से पकाऊंगी दूध में, और मैं खाना भी बना ली हूँ। खाने में आज मेरा क्या बना है चलिए दिखाती हूँ। दाल, साग, आलू का भुजिया, बैंगन का भरता,
और पापड़। अभी मैं इसको रख देती हूँ पकने के लिए, तब तक मैं डिनर कर लेती हूँ। अभी रात के 9 बजने वाले हैं, 8:35 हो रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड, मैं घी को अच्छे से गर्म कर रही हूँ। ये देखिए इसको पका ली मैं, घी गर्म हो जाएगा इसमें डालूंगी। आई नो मैं उल्टा प्रोसेस करती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को इसी टाइप का मतलब पसंद है। पहले उसको दूध में पका कर अच्छे से, उसका घी में ड्राई फ्रूट दे कर फ्राई करके, खोआ होता तो मैं ऊपर से डालती थी, मेरे पास खोआ नहीं है। इसमें घी अच्छे से डालें, कंजूसी ना करें घी डालने में। ये देखिए फ्रेंड, ये सब घी निकल रहा है, देखिए घी है। आई नो सबको गीला गीला पसंद है, लेकिन मेरे घर में सब ड्राई एकदम सूखा सूखा खोआ जैसा खाते हैं, सूखा हुआ। इसलिए मैं पहले इसको बॉयल करके तब घी में इसको फ्राई करती हूँ। टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, आप इस तरह से बना सकते हैं। इसी पोजीशन में आप चीनी डाल सकते हैं, जितना मीठा खाएंगे उतना चीनी डालेंगे आप। देखिए मेरा हलवा तैयार हो गया है पूरी तरह। हलवा रेडी है, रेडी। इसमें ड्राई फ्रूट भी आप रख सकते हैं, डाल सकते हैं। मेरी बेटी ड्राई फ्रूट वाला नहीं खाती है, इसलिए मैं ड्राई फ्रूट नहीं डाली हूँ। देखिए कलर कितना खूबसूरत है, खाने में बहुत टेस्टी बना है। हलवा रेडी है, देखिए बहुत टेस्टी बना है। इसमें आप खोआ डालें ऊपर से तो और टेस्टी होगा, मेरे पास खोआ नहीं था, इसलिए खाने में बहुत टेस्टी बना है, क्योंकि मैंने टेस्ट किया है, बहुत अच्छा है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा है, मेरा खाना पीना सब डन हो गया। हलवा बहुत टेस्टी बना था, बहुत ज़्यादा। अब खाना पीना हो गया, सब सो गए हैं, मैं भी जा रही हूँ सोने, रात के 11 बज रहे हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो ज़्यादा से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।